أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear students, today we are going to talk about working with others. First of all, let's see about the definitions. Working with the others is the ability to effectively interact, cooperate, collaborate, and manage conflicts with other people in order to complete tasks and achieve shared goals. It is the ability to effectively interact, cooperate, collaborate, and manage conflicts with other people in order to complete tasks and achieve shared goals. This includes working with one other person or working in small or large groups of people. Working with others or teamwork is generally understood as the willingness of a group of people to work together to achieve a common aim. For example, we often use the phrase, he or she is a good team player. This means someone has the interest of the team at heart, working for the good of the team. Working with others provides improved efficiency and productivity. Ultimately, when a group of individuals work together, compared to one person working alone, they promote a more efficient work output and are able to complete tasks faster due to many minds intervened on the same goals and objectives of the business. Definitely, अब आपको पता चल गया होगा कि वर्किंग विद अदर्स का मतलब है कि जब हमने यूज ही वर्ड अदर्स कर लिया तो इसका मतलब है कि ये आपकी सोलो पर्सनैलिटी नहीं है. ये आप अपने किसी साथी के साथ मिलके, वेदर दैट इज फॉर योर ओन बेनिफिट और वेदर दैट इज ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशंस बेनिफिट, आप दो या दो से ज्यादा बंदे मिलके किसी टारगेटेड एम को अचीव करने के लिए जो भी काम करते हैं तो ये एक टीम वर्क होता है. ये मिलजुल के काम करने को कहते हैं, दूसरों के साथ मिलके काम करने को कहते हैं, जो के इकट्ठा मिलके एक अकेला और दो ग्यारह के इकट्ठा मिलके काम जल्दी एफिशिएंट और ज़्यादा डेडिकेशन के साथ हो जाता है और ये बेटर रिजल्ट्स देता है. And then effectively working with others in the workplace involves understanding and working within the group's culture, rules and values, joint planning and decision making, negotiating and compromising, expressing one's opinions and ideas and respecting those of others, including people of different backgrounds and being flexible in terms of roles, including knowing when to take a leadership role and knowing when to seek a team approach. ये सारी चीजें जो है, अगर आपने इफेक्टिव मेंबर्स जो है वो कौन होते हैं जो के एक दूसरे के साथ मिलके इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली काम करते हैं. उनका हैव अ कॉमन पर्पस एंड गोल. हैविंग कॉमन गोल्स गिव्स मैनेजमेंट एंड स्टाफ समथिंग टू वर्क टुवर्ड्स टुगेदर. दिस कैन इम्प्रूव्स मोरल ऑफ बोथ एंड्स, इंक्रीज ट्रस्ट बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ वर्कर्स एंड कीप मैनेजमेंट in touch with the employees that are responsible for supervising. और फिर
ट्रस्ट ईच अदर बहुत बड़ी एक जो है एबिलिटी है. इफ अ वर्क प्लेस इज एबल टू फॉस्टर अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ट्रस्ट विद इन देयर ऑर्गेनाइजेशन, दे कैन सी अ नंबर ऑफ बेनिफिट्स इंक्लूडिंग इंक्रीज प्रोडक्टिविटी अमंग स्टाफ, इम्प्रूव मोरल अमंगस्ट एम्प्लॉयज एंड स्टाफ, द एबिलिटी टू वर्क मोर इफेक्टिवली एज अ टीम रादर देन इंडिविजुअल्स. एंड देन सेट एन इनिशियल प्रोजेक्ट मीटिंग जो है क्या करने के लिए, टू क्लैरिफाई देयर रोल्स फ्रॉम द स्टार्ट. कि क्या करना है कि सबसे पहले तो सारी टीम को इकट्ठा करके एक मीटिंग करें टू असाइन रोल्स टू जो वर्क टीम. हैंड आउट अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ योर गोल्स विच इंक्लूड्स द नेम्स ऑफ ईच रिस्पॉन्सिबल पार्टी. एक्सप्लेन ईच पर्सन्स रोल इन डिटेल टू एंश्योर दैट एवरी वन नोज हु टू रिपोर्ट टू इफ ही हैज क्वेश्चंस रिगार्डिंग एन एलिमेंट ऑफ द वर्क प्रोजेक्ट. एंड देन सबसे बड़ी चीज यह कि कोई चीज छुपी हुई ना हो. कम्युनिकेट ओपनली एंड इफेक्टिवली. व्हेन यू एनकरेज योर स्टाफ टू कम्युनिकेट ओपनली, देयर इज अ सेंस दैट दे विल बी सीन एंड हर्ड एंड देयर ओपिनियंस मैटर. ये कितनी बड़ी चीज है कि उनके दिल के अंदर जो भी चीज आती है वो अपने टीम लीडर को बता देते हैं. व्हेन पीपल आर आस्क्ड टू गिव फीडबैक एंड कैन कंट्रीब्यूट इन अ मीनिंगफुल वे, दे फील वैल्यूड. और फिर फीडबैक भी वो हो जो कि कंस्ट्रक्टिव हो, किस वक्त जबकि चीजें अगर खराब होने लग जाए. बाय गिविंग अ पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक एंड एम्प्लॉय नोज एग्जैक्टली वॉट दे नीड टू इम्प्रूव. अ ग्रेट फीडबैक इज मोटिवेटिंग बाई नेचर. फॉर एग्जाम्पल कि आई हैव अप्रिशिएटेड योर प्रोफेशनलिज्म ड्यूरिंग दिस मीटिंग. के चाहे आप किसी से कितना भी इख्तिलाफ रखते हो, लेकिन बीइंग टीम मेंबर अगर कोई चीज़ खराब जा रही है और आपका टीम लीडर आपसे पूछता है कि फीडबैक दें और आप एक पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, तो क्या होता है कि आप अपने डिफरेंसेस को अपार्ट रखते हुए एक सच्चा और सही ओपिनियन जो है देते हैं एज अ प्रोफेशनल, जो के अप्रिशिएट किया जाता है. एंड देन लेवरेज एंड हेरिटेज रिलेशनशिप्स. लेवरेजिंग डाइवर्सिटी कैन हेल्प द वर्क प्लेस से एक्सपर्ट्स एक्सपीरियंस रिलीजियस बिलीफ्स एथनिक हेरिटेज एंड रिलेशनशिप पेरेंटल स्टेटस. इसके अंदर क्या होता है कि जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी जगह पे काम कर रहे होते हैं, तो डेफिनेटली आपको अपने इलाके के लोग, अपने रिलीजन के लोग, अपने बिलीफ जिसके आपके साथ हमांगी है, आप उनको थोड़ी सी अहमियत और फौकियत देते हैं. और उसकी वजह से जब आप वैल्यूड होते हैं तो आपके काम की एफिशिएंसी जो है वो बढ़. एंड देन वर्किंग विद पीपल इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड जो है ये एक अपने में एक बहुत बड़ी दुनिया समोए हुए है. विदाउट कोलैबोरेशन सक्सेस इज इम्पॉसिबल. ये तो आप भूल ही जाए ना कि हम कोलैबोरेशन के बगैर किसी हाई पीक्स पे पहुंच सकते हैं. वाइल अ ग्रेट आइडिया माइट बिगिन इन योर हेड, इन ऑर्डर टू मटीरियलाइज योर आइडिया यू नीड हेल्प फ्रॉम अदर्स सो दैट यू कैन अचीव योर गोल. यू नीड टू लर्न मैनी क्रिटिकल स्किल्स. फॉर एग्जाम्पल गिव क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू. इफ समवन हैज अ ग्रेट आइडिया एक्नॉलेज इट
not just within the team, but when you are talking to supervisors or investors. एंड देन दूसरी चीज के अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको ओन करें. इफ समथिंग गोज रॉन्ग एंड इट्स योर फॉल्ट, बी ऑनेस्ट अबाउट इट. नथिंग कैन बी फिक्स्ड अनलेस यू आर अपफ्रंट अबाउट व्हाट हैपेंड. अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ्स बिफोर लॉन्चिंग इनटू अ प्रोजेक्ट विद अ न्यू टीम. इट्स इम्पॉर्टेंट टू टेक इन्वेंट्री ऑफ योर एंड योर टीम मेट्स स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इफ यू ट्राई टू डू एवरी थिंग एंड बी ऑल थिंग्स टू ऑल पीपल, यू कुड बर्न आउट एंड एंड अप एलियनेटिंग टीम मेंबर्स दैट जस्ट वॉन्ट टू हेल्प अचीव द सेम गोल. एंड देन से थैंक यू. और ये सेइंग थैंक यू जो है ये हर उम्र में, बचपन से लेके और किसी भी एज तक ये अप्लाई होता है. ग्रैटिट्यूड गोज अ लॉन्ग वे व्हेन यू आर वर्किंग इन अ पोटेंशियली स्ट्रेसफुल सिचुएशन. अ बेसलाइन लेवल ऑफ कर्टिसी हेल्प्स विद कम्युनिकेशन, मेंटेनिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड बिल्डिंग टाइज अमंग टीम मेट्स. और फिर टीम के अंदर बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है. अ मैनेजर हु इज द ट्रू लीडर ऑफ द प्रोजेक्ट टीम एंड प्रोवाइड्स बैलेंस्ड लीडरशिप टू द रेस्ट ऑफ द पीपल इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट सीम्स टू हैव एन एंडलेस सप्लाई ऑफ एनर्जी दैट मेक्स ऑल द स्टेक होल्डर्स फील एंथ्यूजियास्टिक अबाउट द वर्क टू बी डन. कि जब बैलेंस रखा जाता है और फेवरेटिज्म नहीं होता तो हर कोई जो है अपनी अहमियत को जानता है और उसके अंदर एनर्जी जो है वो मल्टीप्लाई होती जाती है और वो उसके अंदर एंथ्यूजियाज्म ज़्यादा आ जाता है वर्क की तरफ. एंड देन बैलेंसिंग विल बी द की टू टीम लीडरशिप सक्सेस. I personally believe that balancing is the key to success of any endeavor, no matter whether you are or your team are going to construct a building. बेशक वो एक किताब लिखें, बेशक कोई presentations बनाए, चाहे वो कोई चीज़ ही बेचें किसी चीज़ किस्म की, और even losing weight. ये सारी चीज़ों के अंदर balance रखना बहुत ज़रूरी है. Balancing means finding and using the right combination of factors that are most critical to success of your endeavors, whatever it is. And then appreciate a diversity of ideas. Incorporate diversity into the hiring and promotion policies of any organization or workplace. Set standards that are based on merit and not quotas. Promote diversity, include people of varying gender, age, religion, race, ethnicity, cultural background, sexual orientation, religion, language, education, abilities. जितनी मर्जी चीजें आप गिनते जाएं कि इतनी diversity है human being के पास कि आप उसको अप्रिशिएट करें और उसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर और अपनी स्किल्स के अंदर जो है वर्किंग विद अदर्स के अंदर, उसी वक्त ये वर्किंग विद अदर्स जो है ये आप उसको अच्छी तरह से कर सकेंगे जब आप पूरी डाइवर्सिटी को हर लिहाज से अपने टीम के अंदर जो है वो शामिल करें. और फिर एक तरफ हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट्स जो है, द स्ट्रेंथ्स ऑफ अ टीम कम्स फ्रॉम सपोर्टिंग ईच अदर, कम्युनिकेटिंग वेल एंड डूइंग योर शेयर. अदर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफाइन अ टीम इंक्लूड सिमिलर स्किल्स, ऑटोनोमी, डिफाइंड रोल्स, डिफाइंड लीडरशिप एंड द रिसोर्सेज टू मीट द जॉइंट गोल.
के ये क्या चीज़ें हैं, ये वर्किंग जो है विद अदर्स जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट्स हैं जो आपको मद्देनजर रखना है पड़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल इमेजिन अ ग्रुप ऑफ पीपल और पुलिंग अ रोप, जिसे रस्साकशी कहते हैं. नॉट ओनली डू दे शेयर अ गोल बट दे आर यूजिंग द सेम और सिमिलर स्किल्स. यू परफॉर्म टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेज व्हेन योर टीम नीड्स टू वर्क ऑन इम्प्रूविंग देयर रोल डेफिनेशंस और देयर कम्युनिकेशन स्किल्स. अ टीम इंक्लूड्स अ डेजिग्नेटेड अथॉरिटी फिगर हु रिजॉल्व्स देयर डिफरेंसेस एंड मेक्स डिसीजंस रिगार्डलेस ऑफ एनमिटी बिटवीन मेंबर्स. विद अ गुड लीडर अ टीम कैन अकम्प्लिश देयर गोल्स. जिस तरह के हाउ टीम वर्क द बैकग्राउंड नॉलेज पीपल नीड टू वर्क वेल इन टीम्स, उसके अंदर क्या है, हर किसी की अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स हैं. वो एक अच्छे गुड मेंबर हैं, वो जो अच्छे इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट्स हैं आपके अंदर के, आप डीलिंग विद कॉन्फ्लिक्ट एंड बीइंग असर्टिव, आपके अंदर स्ट्रेंथ्स क्या हैं, प्लानिंग आपकी वर्क है, आप एग्रीइंग टारगेट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कैरिंग आउट वर्क, मॉनिटरिंग प्रोग्रेस, रिव्यूइंग एंड रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्टिंग ऑन वर्क, रिव्यूइंग एज अ ग्रुप. ये सारी चीज़ें जो है ये जब तक के टीम मेंबर के ये इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट्स हैं जो कि एक टीम को बेहतरीन साबित करने के लिए ज़रूरी है. एंड देन हम देखते हैं कि काइंड्स ऑफ टीम्स क्या चीज़ें हैं. ये क्या है कि लर्नर्स नीड टू नो अबाउट द रेंज ऑफ टीम्स दे माइट बी इन्वॉल्व इन ड्यूरिंग देयर फ्यूचर लाइफ्स एंड करियर्स. दे मे इंक्लूड वर्क टीम्स विच कैरी आउट द डे टू डे वर्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. के वो किस तरह से, वो कौन कौन से काम हैं जो कि एज अ टीम जो डेली बेसिस के ऊपर होते हैं, ये वर्क टीम एक कहलाती है. एंड देन पीपल वर्किंग इन पेयर्स. फॉर एग्जाम्पल अ प्लमर एंड हिज हर मेट और अ डिलीवरी ड्राइवर एंड असिस्टेंट. के टीम्स किस तरह की होती हैं कि जो डे टू डे किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हैं, दूसरी वो लोग होते हैं जो पेयर्स के अंदर होते हैं, जिस तरह के सेकंड सीटर्स कह लें या जो डिलीवरी करते हैं वो दो बंदे, एक असिस्टेंट होता है एक ड्राइवर होता है, फिर प्लम्बर के साथ उसका जो एक साथी होता है. तो टीम्स के अंदर जो है पीपल इन पेयर्स भी काम करते हैं, स्टडी ग्रुप्स होते हैं, ये भी टीम होती है. मैनी यूनिवर्सिटी कोर्सेज आस्क स्टूडेंट टू वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स टू प्रिपेयर फॉर अ सेमिनार और कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क. फिर प्रोजेक्ट टीम्स एंड प्रोजेक्ट और क्वालिटी इम्प्रूवमेंट ग्रुप्स होते हैं, जिस तरह यूनिवर्सिटीज में QEC की टीम हो गई, क्वालिटी एश्योरेंस सेल हो गए, एंड दूसरी टीम हो गई. दीज आर लाइकली टू ब्रिंग टूगेदर पीपल विद डिफरेंट स्किल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि उनको और उनके इदारे को जो है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाते हैं. और फिर टीम डेवलपमेंट होती कैसे है. टीम्स डू नॉट जस्ट हैपन, दे टेंड टू ग्रो थ्रू अ नंबर ऑफ स्टेजेस एज दे डिवेलप. डॉक्टर ब्रूस टकमैन डिस्क्राइब्ड दिस प्रोसेस के भी इसके अंदर जो है फॉर्मिंग होनी चाहिए. ग्रुप मेंबर्स मीट, गेट टू नो ईच अदर
एंड साइज ईच अदर अप, कि एक दूसरे की बात सुने और उसे इज्जत दें, वैल्यू दें, सुने और उस चीज को बढ़ावा दें. नॉट मच वर्क गेट्स डन इन दिस स्टेज एंड सम मेंबर्स विल फील नर्वस और एंक्शस, क्योंकि आप फॉर्म करने होते हैं कोई भी ग्रुप, तो आपका एक दूसरे के साथ इंट्रोडक्शन, एक दूसरे को जानना और एक दूसरे के बारे में राय कायम करना और एक दूसरे पे ट्रस्ट करना और देखना कि ये हमारा टीम मेंबर है, ये फॉर्मिंग हो रही होती है. एंड देन स्टॉर्मिंग, पीपल बिगिन टू टॉक मोर फ्रीली, डिसएग्री विद ईच अदर, मे कॉज कॉन्फ्लिक्ट एंड मे क्रिएट अलायंस एंड फैक्शन. अगेन नॉट मच वर्क गेट्स डन इन दिस स्टेज एज वेल, क्योंकि उनकी जब पर्सनैलिटीज आपस के अंदर मिल रही होती हैं तो किसी चीज़ के अंदर वो एक जैसे होते हैं, किसी चीज़ में उनमें कॉन्फ्लिक्ट होता है. तो ये अभी जो है स्टॉर्मिंग स्टेज चल रही होती है. एंड देन व्हेन इट कम्स टू नॉर्मिंग स्टेज, पीपल बिगिन टू कोऑपरेट, लिसन टू ईच अदर्स व्यूज, फील लेस इमोशनल एंड सॉर्ट आउट देयर रोल्स. Anyone who is too challenging at this stage may become isolated. Planning the task or activity can begin. कि इसके अंदर जो तो साथ देते हैं एक दूसरे का वो टीम का ही मेंबर रह जाते हैं, और जो इसके अंदर जो है डिस्कशंस नहीं करते तो वो थोड़े से इसके अंदर आइसोलेटेड हो जाते हैं. लेकिन एट दिस टाइम जो है वो प्लानिंग जो है इट स्टार्टेड टेकिंग प्लेस एंड देन परफॉर्मिंग. द ग्रुप डिवेलप्स इनटू अ टीम दैट इज कमिटेड टू द टास्क एंड परफॉर्मिंग इफेक्टिवली. इट हैज एन आइडेंटिटी एंड सेंस ऑफ पर्पस. डिसएग्रीमेंट्स ऑफन लीड टू प्रोडक्टिव डिस्कशंस एंड देन द वर्क गेट्स डन. तो उसके बाद ये सारी चीजें जो हैं ये एक ग्रुप की शक्ल ले लेता है, एक टीम बन जाती है जो के परफॉर्मेंस स्टार्ट कर देती है टुवर्ड्स अचीविंग एनी गोल. एंड देन एग्रीइंग ग्राउंड रूल्स, यू कैन चूज दिस एक्टिविटी विद एनी ग्रुप ऑफ लर्नर्स हु विल वर्क टुगेदर ऑन अ टास्क और प्रोजेक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. कि आपने जो कुछ भी करना है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. कि इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ ग्राउंड रूल्स, कि दीज आर रूल्स दैट द ग्रुप एग्रीज टुगेदर एंड विल देन फॉलो. जिस तरह से कि हम क्लास शुरू करने से पहले अपने रूल्स डिफाइन कर लेते हैं कि हमारा ये सिस्टम जो है सेमेस्टर के अंदर हम स्टूडेंट्स और टीचर मिल के कर लेते हैं कि व्हाट आर द रूल्स वी आर गोइंग टू अप्लाई. तो ये भी बिल्कुल उसी तरह से ही है. और ये है, इट इज वाइटल दैट एवरीवन साइंस अप टू द ग्राउंड रूल्स सो दे मस्ट बी एग्रीड बाय द होल ग्रुप. इट्स इम्पोर्टेंट that ground rules represent a consensus and are agreed upon by the entire group. Begin by asking peers to suggest possible rules such as be polite to each other at all times. कि जब भी बात करनी है, जब भी हमने एक दूसरे को देखना है, जब भी हमने नेगोशिएशन करनी है, तो हमने क्या होना है, हमने पोलाइटनेस के साथ बात करनी है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट को सामने रखते हुए बात करनी है. और टाइम की अहमियत को ज़रूर जानना है और टाइम की पाबंदी करनी है. एंड देन डू व्हाट यू से यू विल डू, कि जो कहा है वो करके दिखाना है. ये नहीं है कि ओनली वर्ड्स आर फ्लाइंग और आप अब सिर्फ सजेशन ही देते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, इंटरप्ट करते जा रहे हैं. नो,
जो आप कह रहे हैं उसके ऊपर अमल करना है, इस चीज के ऊपर एग्री होना है कि जो कहना है वो करना है। गिव हेल्प व्हेन इट इज नीडेड, के यू आर ऑलवेज एंड आर रेडी टू हेल्प ईच अदर, कि अगर किसी को किसी किस्म की भी जरूरत होती है आपकी स्किल की, आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्प की, तो वो आपने उसको प्रोवाइड करनी है एज अ टीम मेंबर। मीट एग्रीड डेडलाइंस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये नहीं है कि काम करते ही जाना है करते ही जाना है, दैट शुड बी टाइम बाउंड। ये हमने बहुत मर्तबा इस चीज को जो है अपनी डिस्कशंस में लेके आते हैं कि वट एवर प्रोजेक्ट यू डू एज अ ग्रुप और इंडिविजुअल, तो आपको क्या करना है, और स्पेशली वर्किंग विद अदर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको एक टारगेटेड डेट तक जो है वो अपना जो है काम कर लेना है, उसकी डेडलाइन से पहले पहले खत्म कर लेना है। एंड देन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को बहुत इफेक्टिव करने के लिए यू आर गोइंग टू टॉक, इस चीज के ऊपर आपको एग्री होना है कि किसी किस्म की एक्स्ट्रा वैगेंट या फजूल बात या अपने काम के अलावा कोई बात वर्क प्लेस पे करने की जरूरत नहीं है, ताकि आप फोकस्ड एंड टारगेटेड रहें कि मैं क्या करने जा रहा हूँ और किस बारे के अंदर मुझे बात करनी है। तो योर डिस्कशंस, योर कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज शुड बी अकॉर्डिंगली। और फिर हम देखते हैं कि एज अ होल ग्रुप जो है, कलेक्ट ऑल द सजेस्टेड रूल्स एंड कंपेयर पीपल्स व्यूज, डिस्कस एनी रूल ओवर विच देयर इज डिसएग्रीमेंट एंड सी वेदर यू कैन मॉडिफाई इट टू एवरी वन सेटिस्फैक्शन। यू डोंट हैव टू एग्री एवरी थिंग इन वन गो, सारी चीजों को इकट्ठा ही आप जो है एक्सेप्ट नहीं कर सकते। एम टू फिनिश अप विद एग्रीड रूल्स, कि जो भी चीज करनी है उसके लिए आपको रूल्स के लिए मुत्तहिद होना पड़ेगा। एरियाज ऑफ फ्यूचर डिस्कशन जो है वो देखने हैं कि जब भी आपकी मीटिंग फिनिश होने लगती है तो उसके अंदर क्या होता है, कि ये पांच चीजें ऑलवेज देखने में आती हैं कि आप एंड के ऊपर चंद रूल्स के ऊपर एग्री करते हैं एज अ टीम, और फिर आप उसके लिए फ्यूचर डिस्कशन के लिए एरिया सेलेक्ट करते हैं कि हम नेक्स्ट टाइम इस चीज़ के ऊपर जो है वो बात करेंगे। एंड देन यू हैंड आउट जो है एग्रीड रूल्स की कॉपी रिटर्न आप जो है वो अपने टीम मेंबर्स को देते हैं, और राइट अप द एग्रीड रूल्स एज अ पोस्टर और हैंड आउट, एग्री अ टाइम टू रिव्यू द एरियाज फॉर फ्यूचर डिस्कशन। और इसके साथ ही आपको अगली मीटिंग के लिए जो है वो टाइम चूज करना है कि अगली मीटिंग कब प्लान करनी है। एंड देन उसके बाद जब आप क्लोज द डिस्कशन बाय रिफ्लेक्टिंग विद द ग्रुप ऑन द प्रोसेस, व्हाट वेंट वेल, हाउ दे वर्क टुगेदर, हाउ वेल द ग्रुप इज वर्किंग एट्सेट्रा, ये सारी चीजें उसके अंदर देखनी है। यानी कि उस मीटिंग के अंदर इन चीजों को पूरे ग्रुप ने जो काम किया है उसका जायजा ले दिया जाता है कि क्या चीजें उसमें ठीक हुई, किस चीजों के ऊपर हर्डल्स आया, किन चीजों को ज्यादा मजीद बेहतर करने की जरूरत है, किसकी जो है कम्युनिकेशन के अंदर गैप रह गए, किस तरह से हम इस ग्रुप की वर्किंग को
और ज़्यादा जो है वो बेटर बना सकते हैं। दिस हेल्प्स टू मॉडल द रिव्यू पार्ट ऑफ द वर्किंग विद अदर्स साइकिल एंड इज वर्थ बिल्डिंग इनटू ग्रुप एक्टिविटी जनरली, जो कि उसको फिर जो है ज़्यादा बेहतरी की तरफ लेके जाती है। और एज अ ग्रुप जो है, जब आप एग्री हो जाते हैं तो ये आपका एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट जो है और ज़्यादा बढ़ा देता है। जब हम ग्रुप रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करते हैं तो इट्स एन अदर इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ टीम वर्क इज दैट एनी ग्रुप और टीम फंक्शंस बेस्ट व्हेन इट हैज अ वैरायटी ऑफ मेंबर्स। फॉर एग्जांपल, सम मे कम अप विद क्रिएटिव अनऑर्थोडॉक्स आइडियाज के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को किसी भी ग्रुप में अकम्पलिश करने के लिए वैरायटी ऑफ पीपल बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं, कि हमें डिफरेंट एबिलिटीज के लोग जो हैं ग्रुप में इकट्ठे होने चाहिए। हो सकता है कि कुछ लोग उनके अंदर से जो हैं बड़े क्रिएटिव माइंड रखते हों, जो कि एक जो है ट्रेडिशनल सी या स्टीरियोटिपिकल चीज़ों को मद्देनजर ना रखते हों, लेकिन नए नए आइडियाज जिद्दत पसंदी उनके अंदर हो। और दूसरे एक बंदा उनके अंदर से ग्रुप में से ऐसा भी हो सकता है जिसके अंदर जो है कॉन्टैक्ट बिल्डिंग और उसके कॉन्टैक्ट्स हैं विद अदर पीपल, जो के हमारे काम को रुकने नहीं देते। और वो किसी ना कोई कॉन्टैक्ट होता है जिसके अंदर वो आपकी सारी ज़रूरियात को पूरा करते जाते हैं। एंड देन बॉस की डिसीजन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। आप कोई भी चीज़, कोई भी आइडिया, कोई भी सजेशन जब पुट करते हैं बहुत सारे लोग, तो उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो इमीडिएटली उसके अंदर से क्रिस्प चीज़ें और बेहतरीन चीज़ों को निकाल के दो डिसाइड कर देते हैं बहुत सारे सजेशंस में से, कि डिसीजन मेकिंग स्किल उनके अंदर बहुत स्ट्रांग होती है। तो वो आपको बता देते हैं कि ये वाला आइडिया हमारी टीम के लिए बेस्ट हो सकता है। और फिर उसके साथ जो है इन चीज़ों को प्रैक्टिस में लाना, क्योंकि आपने देखा है कि हमारी वर्किंग कंडीशंस में हमारी टीम्स के अंदर कुछ थिंकर्स होते हैं और कुछ डूअर्स होते हैं, और अदर्स मे बी स्ट्रॉन्ग एट पुटिंग आइडियाज इनटू प्रैक्टिस। तो ये चीज़ जो है एक ग्रुप के अंदर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेने के लिए हमें डाइवर्स सॉर्ट ऑफ वैरायटी मेंबर्स जो है वैरायटी ऑफ मेंबर्स चाहिए होते हैं, जो कि डिफरेंट स्किल्स रखते हैं। फिर जब हम देखते हैं कि एन एस्टेब्लिश्ड ग्रुप ऑफ लर्नर्स क्या होता है, कि जब आप द एक्टिविटी विल वर्क बेस्ट विद एन एस्टेब्लिश्ड ग्रुप ऑफ लर्नर्स, जिसके अंदर ये चार चीज़ें होती हैं, कि कोई भी ग्रुप उस वक्त तक काम नहीं कर सकता जब तक कि हम ये चार चीज़ें नहीं देख लेते। इनिशिएटिंग, किसी भी चीज़ को करने के लिए उसको इनिशिएट या स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। बिगिन बाय एक्सप्लेनिंग दैट अ ग्रुप नीड्स पीपल टू प्ले डिफरेंट रोल्स एंड दैट मेंबर्स विल हैव डिफरेंट स्ट्रेंथ्स, जिसकी हमने अभी पहले इससे पहली स्लाइड में बात की। एंड फैसिलिटेशन, फैसिलिटेशन और टू गिव फैसिलिटेशन फॉर डिस्कशन अबाउट द काइंड ऑफ रोल टीम मेंबर्स कैन प्ले, व्हाट विल पीपल नीड टू डू इफ द ग्रुप इज टू फंक्शन वेल एंड अचीव इट्स एम्स। एंड देन ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, देन आस्क ईच अदर दैट टू थिंक अबाउट
one other person in the group and suggest one thing they think that person does well and that helps the group to work well. ब्रेनस्टॉर्मिंग करके मिलके करें, उसके अंदर से देखें कि विच इज़ द बेस्ट आइडिया. शेयर द आइडियाज विद द ग्रुप. इंसिस्ट दैट नो नेगेटिव कमेंट्स आर अलाउड. कि पॉजिटिविटी एंड ऑप्टिमिज्म बहुत ज़रूरी है ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए. एंड समराइजिंग विद द ग्रुप. रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट यू हैव डिस्कस्ड. What have you learned about the blend of roles in this group? Are there publicated roles or roles that no one plays? How might this affect the way the group functions? ये सारी चीज़ें उसको summarize करना कि किस तरह से जो है ये चीज़ें कितनी एफिशिएंटली इसके ऊपर काम हुआ है या इस ग्रुप ने फंक्शन भी किया है या नहीं किया है. तो सारी चीज़ों को समराइज करना विद ऑनेस्टी कि किस तरह से ये होता है. जब हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि व्हाट मेक्स अ गुड टीम मेंबर. उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. Being a good team member involves show genuine commitment. Team players are genuinely committed to their cause. Good team players might make sure they are in the office when needed, but great team members will make seat time worth it and contribute as much as possible. They strive for excellence. Here, be flexible. Instead of sitting on the bench watching the rest of the crew perform, an outstanding team player wants to see the magic happen through his or her efforts as well. They are flexible to the situations throw their way and they participate and tackle challenges without showing too many signs of stress or pressure. Don't stay apart. अकेले रहने की कोई ज़रूरत नहीं है. ये आपको isolation की तरफ ले जाता है. और good team member की जो है characteristics में ये शामिल है कि वो मिल के काम करते हैं. they aren't bothering people with questions you should know the answer to. कि भी हर किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है. पार्ट बने, सीखें और उसके अंदर जवाब दें. Be reliable and responsible. An excellent team player क्या करता है कि वो रिलायबल होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है. एंड व्हेन यू आर नॉट श्योर ऑफ व्हाट शुड टेक प्रायोरिटी आस्क योर मैनेजर कि किस तरह से ये आपने उसको फुलफिल करना है. फिर बड़ी बात है कि एक्टिव लिसनर. एक्टिव लिसनिंग इज हार्डर देन यू थिंक. व्हेन यू हियर समवन सेइंग समथिंग यू डोंट इनिशियली एग्री विद, keep from interpreting and don't let your mind prepare any counter remarks. Just listen and consider what they are saying and more importantly why they believe that. Keep your team informed. Hamesha har cheez se achhi hai ya buri hai, positive hai negative hai, apni team ko क्या रखते हैं, इंफॉर्म्ड रखते हैं जो गुड टीम मेंबर्स होते हैं. और दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प ईच अदर. और फिर जब फॉर एग्जांपल इफ अ मेंबर ऑफ योर टीम इज हैविंग ट्रबल विद अ टेक्नोलॉजी टूल दैट इज इजी फॉर यू, ऑफर टू सिट डाउन विद हिम
एंड शो हिम वॉट यू नो. ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक अच्छे टीम मेंबर की निशानी है. और फिर सपोर्ट एंड रिस्पेक्ट अदर्स, गिव एंड टेक करें रिस्पेक्ट, प्रॉब्लम सॉल्वर बने उसके लिए. ये होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ऑलवेज जो हैं वो अवेलेबल रहते हैं. एंड देन रिकग्नाइज व्हेन यू आर रॉन्ग. जो अच्छे टीम मेंबर्स होते हैं उन्हें पता होता है, स्ट्रॉन्गली बिलीव दैट योर टीम इज मेकिंग अ मिस्टेक. यू कैन फाइंड अ वे टू कम अप टू द इशू व्हेन द टाइम इज राइट. बट बीइंग अ स्टबर्न स्टिक इन द मड इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ अ गुड टीम प्लेयर. फिर अचीविंग द टास्क के लिए बड़े सरकर्दा रहते हैं. ओपननेस एंड ट्रस्ट जो भी चीज़ है, गुड टीम मेंबर्स आर ऑल्सो रिलायबल. दे कैरी आउट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज एग्रीड, जो उन्होंने सोचा हुआ होता है, जो ग्राउंडेड जो रूल्स जो हैं उनको अप्लाई करते हैं वो. और फिर एम्पथेटिक होते हैं. एम्पथेटिक क्या है कि रिकग्नाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग वॉट अदर पीपल मे बी थिंकिंग एंड फीलिंग. इस चीज़ का जानना बहुत ज़रूरी है. कॉल्स बोथ फॉर सेल्फ अवेयरनेस एंड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर पीपल. ये जो फिर डीलिंग विद कॉन्फ्लिक्ट व्हेन वर्किंग विद अदर्स, ये तो हमेशा से होता चला है कि जहाँ पे भी कोई जो है काम इकट्ठा किया जाता है तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आ जाता है. अ कॉन्फ्लिक्ट राइजेज व्हेन यू हैव अ डिसएग्रीमेंट विद समवन एल्स दैट यू फाइंड हार्ड टू रिजॉल्व. तो उसके लिए आपको क्या करना है कि ये चार मेन चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है कि अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट, डिनाई दैट इट एग्जिस्ट और अवॉइड द पीपल विद हुम देयर इज कॉन्फ्लिक्ट. नंबर दो पे डिफ्यूज द कॉन्फ्लिक्ट, डील ओनली विद माइनर पॉइंट्स बट नॉट टैकल द मेजर इश्यूज. फ्यूल द कॉन्फ्लिक्ट बाय आर्गुइंग और फाइटिंग. This aggressive response is not good practice and can get learners into trouble. Face the conflict, admit that it exists and start a dialogue. This is the assertive, strong approach है कि discuss करें इसको, ठीक है, किसी भी conflict को overcome करने के लिए. एंड देन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं. तो रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट पीपल मस्ट बी प्रिपेयर्ड टू हैव अ डायलॉग जिसके अंदर लिसन टू द अदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड स्टेट देयर ओन केस इन अ काम मैनर. ठीक है, स्टेटिंग योर केस क्लियरली एंड ऑनेस्टली, फाइंडिंग आउट what the other person wants to achieve, looking for common grounds के दोनों किस तरह मिल के उसको solve कर सकते हैं. फिर understand other person का जो है point of view. फिर showing that you are listening and using a calm voice. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. And then conflict रेजोल्यूशन के लिए ये चार चीज़ें, फोर आर्स आर वेरी इम्पोर्टेंट. क्या हैं? रिलैक्स, रिफ्लेक्ट, रिस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्ड. ये चार चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मॉडल हैं. कि रिलैक्स, नोटिस एनी फिजिकल साइंस ऑफ टेंशन, फियर, एंगर, फ्रस्ट्रेशन एंड ट्राई टू स्टे काम. रिफ्लेक्ट, use your listening skill to find out what is happening for the other person and reflect on your own actions. Respect, even if you don't like what you are hearing,
Other people have a right to their feelings. Avoid putting people down if possible. Last, respond. Let the other persons know you have heard what they have said. Then do or say what you need to do. ठीक है, ये बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मॉडल था जिसको फॉलो किया जा सकता है. देन थैंक यू वेरी मच. दीज आर द रेफरेंसेस फ्रॉम वेयर आई हैव टेकन ऑल द मटेरियल. होप टू सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.